वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। देखो ये मेरे पीछे खड़ी है मेरी गाड़ी है i20। ये थोड़ी पुरानी हो गई है लेकिन ये जब भी मैं इसको लेके जाता हूँ ना भाई, दो दिन में तीन दिन में जब भी स्टार्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ उसमें ना पानी चेक करता हूँ। तो तुम्हें भी सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी अपनी गाड़ी कभी ऐसे खड़ी हो थोड़ी पुरानी हो तो इसमें कूलेंट या पानी चेक करना चाहिए तो सही कितना है कितना नहीं है। अब वही मैं देखने आया हूँ। देखो भाई खड़े खड़े धूल मिट्टी पूरी आ जाती है। देखो अभी जिम जा रहा हूँ मैं तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले दिखा देता हूँ तुम्हें। जब भी भाई पानी कम हो ना तो हमेशा पानी इसमें डालना चाहिए। ये यहाँ डालता है इसमें कूलेंट। देखो भाई कितना कम हो रखा है, देखो बहुत नीचे जा रखा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी रिफिल करेंगे। अब तो क्योंकि क्या है बहुत जरूरी है, वरना क्या होगा इससे इंजन सीज होने का डर रहता है भाई गाड़ी में। देखो ये हो गया ना, बस अभी हो गया। एक चीज और चेक करनी है, हमेशा जब भी अपनी गाड़ी लेके चलो आप भाई, सेफ्टी रहती है पुरानी गाड़ियों में। ये होता है ऑयल का, देखो इसमें ऑयल है पूरा, है पूरा है। जब भी अपनी गाड़ी ठंड में स्टार्ट करो ना भाई, 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दो। और मैं तुम्हें एक चीज और दिखाऊंगा गाड़ी स्टार्ट करने के बाद। कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हें वीडियो में दिखाता हूँ एक मिनट। देखो भाई ये गाड़ी है मेरी, अब मैं इसको सुबह सुबह स्टार्ट कर रहा हूँ। एक दो बार होती है यार ऐसे बंद। अभी मेरी गाड़ी सुबह सुबह स्टार्ट हो गई है और एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। देखो इसका साइलेंसर में सर धुआं नहीं देखे थे, निकल नहीं रहा अभी तो, लेकिन स्मेल मार रही है थोड़ी सी। लेकिन ठंड में होता ही होता भाई, ये हल्का सा ना तुम्हें इसमें से दिखेगा ही देखेगा धुआं निकलता हुआ। गाड़ी की हालत हो रखी है बहुत ख़राब है, बीट कर देते हैं यहाँ पे, इसके चक्कर में गाड़ी की ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है भाई। थोड़ा कपड़ा मार देते हैं फिर चलते हैं भाई। जब तक ये तुम्हारी टेम्परेचर की सुई थोड़ी ऊपर ना आ जाए ना, तब तक गाड़ी लेके नहीं चलनी चाहिए सुबह सुबह ठंड में, क्योंकि इससे क्या होता है भाई दिक्कतें होती हैं। क्योंकि ठंडा इंजन तुम लेके चलोगे वो रेस पकड़ेगा, मतलब लाइफ कम हो जाती है इंजन की भाई। सही बताऊँ तो तुम्हें यही दिक्कत होती है कि जो इंजन होता ना भाई पूरा, उसमें पूरा ऑयल चला जाए अच्छे तरीके से, सारे पार्ट्स में को सारी जगह के ऑयल चली जाए तो ये सही रहता है इसके लिए, इंजन के लिए, कि थोड़ी जगह बंदा गाड़ी। तो गाइस देखो सुई इतने स्टार्ट हो ली है टेम्परेचर वाली और अपन निकल रहे हैं अभी, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी गाड़ी की परफॉर्मेंस दिखाएंगे आपको भाई। मेरी गाड़ी चलती है पेट्रोल में 17 का एवरेज देती है, 16 का 17 का भाई। किसी की i20 ऐसी होगी कि 16 17 का देती होगी, देती ही नहीं भाई किसी की i20 16 17 का। मैंने भी बहुत देखा है अपनी लाइफ में कि 16 17 का भाई सब रोते रहता है i20 भाई, मेरी इतनी बढ़िया देती है। देखो गाइस भंडारे की लाइन लगी हुई है, ये लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं पुण्य वाले, कि लोग रोज गरीब लोगों को 100 लोगों को कम से कम खिलाते होंगे रोज खाने। तो अभी चल रहे हैं भाई। छोटी गाड़ी का एक ये भी फायदा, देखो इधर भी स्पेस नहीं इधर नहीं, हर जगह से निकल जाते छोटी गाड़ी, तो इसलिए छोटी गाड़ी भी प्रेफर करना चाहिए। i20 भाई बेस्ट है, देखो सेफ्टी के मामले में भी हर चीज़ के मामले में ना i20 से बढ़िया मुझे लगता नहीं कोई गाड़ी होगी, क्योंकि इससे बढ़िया सेफ्टी कोई आपको दे ही नहीं सकता हुंडई से इस रेंज में, जितने की i20 आते उस रेंज में। देखो किया की गाड़ी आती तो बढ़िया है, फंक्शनल अगर आप देखोगे ना फंक्शन के वजह से, ये देखो 12-13 लाख रुपए की स्टार्टिंग है ये खड़ी है किया सोनेट। और भाई सबसे बेस्ट गाड़ी है होंडा की i20 है भाई, परफॉर्मेंस इसकी इतनी बढ़िया है, बस ये कि बंदा मेंटेन करके चलाता रहे ना तो बहुत बढ़िया गाड़ी है ये होंडा की i20, वरना तो बेस्ट ही है भाई। मेरे पास बहुत पुराना वाला मॉडल है लेकिन ये इतना बढ़िया और इतना स्मूथ चलता है ना कि तुम क्या ही लोगे पूछ के, मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया गाड़ी कोई होगी। इतनी मजबूत गाड़ी है ना, एक बार पीछे से लड़की ने ठोक दी भाई, स्विफ्ट ले रही थी उसका बम्पर नीचे उतर गया भाई, बम्पर उसका बेचारे का नीचे आ गया। लेकिन तुम्हें पता क्या मजा आ अगर हमारी गाड़ी में कुछ हो जाए, क्योंकि होंडा ही मजबूती इतनी देते ना भाई, क्या मजबूती होगी स्विफ्ट में तुम्हें खुद ही पता है, लोगों को खुद पता है कि मारुति की क्या बिल्ड क्वालिटी है क्या उसमें वो है। अब चलो चलते हैं गाइस, देखो हो गया ना टेम्परेचर आ गया ना ऊपर, अब तुम चला सकते हो गाड़ी, एसी चला सकते हो, चलाने एसी वैसी सब कुछ चला सकते हो तुम इतने टेम्परेचर ऊपर आने के।